हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे थॉर लवेंडर मूवी के कुछ रूमर्स के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैं थॉर लवेंडर मूवी के रूमर्स लाइन वाइज बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनो और कमेंट भी करना जो मैं पूछूंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट रूमर है थॉर लवेंडर मूवी से रिलेटेड, वो ये है कि क्रिस्टन बेल इस मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे, और वो विलन और कोई नहीं होगा, वो होगा गौर। और आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि क्रिस्टन बेल सिर्फ मोशन कैप्चर सूट पहन के एक्ट करने वाले हैं, यानी कि गौर जो होगा वो पूरा सीजीआई कैरेक्टर होगा थॉर 4 में। जैसे कि आप लोगों ने मार्क रफेलो को देखा होगा कि वो हल्क का रोल कैसे प्ले करते, एक मोशन कैप्चर सूट पहनते फिर एक्ट करते और वॉइस देते, वैसे सेम चीज़ करने वाले क्रिस्टन बेल गौर के लिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने बहुत पहले बता दिया था कि क्रिस्टन बेल थॉर लवेंडर मूवी में एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन वो कौन से विलन का रोल प्ले करेंगे वो किसी को भी नहीं पता था उस टाइम, और ना ही इस टाइम पता है। तो बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, उसमें से एक रूमर ये भी था गौर वाला। और बाकी सब चीज़ मैंने आप लोगों को जो बताया है सीजीआई, मोशन कैप्चर सूट और वॉइस का, वो भी अभी रूमर है। हमें मूवी देख के पता चलेगा कि ये बात सच होता है या नहीं होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के हिसाब से ये बात सच हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अब बात करते हैं थॉर लवेंडर मूवी के सेकंड रूमर के बारे में। तो जो सेकंड रूमर है वो ये है कि बेटा रेविल हमें दिखाई देगा थॉर लवेंडर मूवी में। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये रूमर बहुत पहले से चल रहा है, यानी कि थॉर रैग्नारॉक के टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी तक सच नहीं हुआ है। उस टाइम पे कह रहे थे कि थॉर रैग्नारॉक में हमें बेटा रेविल दिखाई देगा, लेकिन बेटा रेविल तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमें सकार प्लेनेट पे उसका मुंडी दिखाई दिया था। आप लोगों ने ये इमेज देखा ही होगा, तो ऐसे दिखाई दिया था। लेकिन इस बार जो रूमर चल रहे हैं वो बहुत तगड़े चल रहे हैं, तो हमें बेटा रेविल दिखना ही चाहिए थॉर लवेंडर मूवी में। और आप लोगों को पता है कि एमसीयू अभी कॉस्मिक लेवल पर जाता जा रहा है, तो बेटा रेविल को दिखाई गई वो लोग, मेरे तरफ से तो 100% मैं श्योर हूँ कि थॉर लवेंडर में दिखाई गई बेटा रेविल को, लेकिन वक्त आने पर पता चलेगा कि वो लोग दिखाते या नहीं दिखाते। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने श्योर हो कि बेटा रेविल हमें दिखाई देगा या नहीं देगा थॉर लवेंडर मूवी में। और अब बात करते हैं थॉर लवेंडर मूवी के थर्ड रूमर के बारे में। तो जो थर्ड रूमर है वो ये है कि थॉर लवेंडर मूवी में हमें दिखाई देगा थॉर का मैजिक बेल्ट। और जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें हिंट दिया गया था थॉर के मैजिक बेल्ट के बारे में। मुझे परफेक्ट तरीके से याद नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि थॉर के बेल्ट के बारे में मेंशन किया गया है नहीं किया गया है एमसीयू में अभी तक, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और अब बात करते थॉर लवेंडर मूवी के फोर्थ रूमर के बारे में। तो जो फोर्थ रूमर है वो ये है कि लोकी हमें दिखाई देगा थॉर लवेंडर मूवी में। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ याद दिला दूँ कि टाइगर वुड्स सर जब लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे थॉर लवेंडर मूवी की इन्फोज देने के लिए, तभी उन्हें एक बंदे ने पूछा था कि लोकी हमें दिखाई देगा या नहीं देगा थॉर लवेंडर मूवी में। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने आंसर ये दिया था कि अभी तक उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। और मेरे हिसाब से उन्होंने ये आंसर इसलिए दिया है क्योंकि वो सरप्राइज़ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि लोकी हमें दिखाई दे सकता है थॉर लवेंडर मूवी में, टाइगर वुड्स सर सरप्राइज़ नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तो वो एंड तक नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से। और आप लोगों को याद ही होगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लोकी का सीज़न 2 हमें देखने मिल सकता है डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में। तो अगर लोकी का सीज़न 2 बनता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थॉर लव एंड थंडर कनेक्ट हो लोकी के सीज़न 2 से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगेगा अगर लोकी नहीं दिखते हैं थॉर लव एंड थंडर मूवी में, क्योंकि थॉर की कोई ऐसी मूवी है ही नहीं जिसमें हमें लोकी नहीं दिखाई दिया हो। तो किसी ना किसी तरीके से हमें दिखाई देगा लोकी, भले ही वो कैमियो हो या फिर फुल मूवी में हो या फिर कैसे ना कैसे दिखाए, पर दिखाएगा मेरे हिसाब से, इतना मैं कंफर्म हो रहा हूँ। तो देखते हैं अब क्या होता है, फ्यूचर में हमें पता चलेगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा रूमर अच्छा लगा, और आप लोगों के हिसाब से कौन सा रूमर सही हो सकता है, या फिर आप लोगों के पास कुछ थियरी हो या फिर कुछ रूमर्स हो, या फिर आप लोगों को थॉर लवेंडर मूवी के बारे में कुछ बोलना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो मेरे फैंस हैं वो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मैं मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।